अंगार से बने अंग करते मेहनत बेहिसाब साले देश तो ही देख के बना ले अपना बाप कभी फुकट नहीं भिड़ना कांड करते वक्त बेटा वरना सीधा खत्म तेरा भरम होगा सत्यानाश वफादारी भरी खून में साथ छोड़े कभी ना मेहनत इतनी के तू छोड़े एसी में पसीना तू जो रेसता है घोड़ा मैं लगाम ही लगा तू हमें शेर की पहचान ये तू भूलना कभी ना चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ What's the score? Score क्या हुआ? Sir, 275 for 5 in 45.3 overs, sir. उनका नहीं तुम्हारा. How many bullets have you faced? How many wounds have you got? जिस देश के आयतल आर्मी जवान नहीं क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स होंगे उस देश के नौजवान तो जीरो पर ही आउट होंगे असली लड़ाई देश के 7,518 किलोमीटर के बॉर्डर पर लड़ी जाती है ना कि 20 मीटर की स्पिच पर योर फ्रेंड योर कॉलीग हैज गिवन अप हिज लाइफ इन गिविंग दिस को अगर स्कोर बढ़ाना है तो टेररिस्ट का मिलिटेंट्स का दुश्मनों की लाशों का स्कोर बढ़ाओ अदरवाइज पुट डाउन योर राइफल एंड पिक अप अ क्रिकेट बैट Do I make myself clear? Yes, sir. Sorry, sir. Prayer meet in 5. Bhartiya Sena! Bhartiya Sena! आज जैसे दिनों में ही एहसास होता है, the army is like a family की अहमियत का. Today we have lost one of our finest. Every day he wanted to challenge himself, wanted to outdo himself. Every day he wanted to be the best version of himself. उसकी आंखों में एक जज्बा था एक आग थी वो अंत तक दुश्मनों से लड़ा अंत तक इसलिए मैं अजय पासवान को सेना मेरिट के लिए रिकमेंड करता हूं We salute Major Ajay Pasvan. Indian Army! Bhartiya Sena! Mujahid! Indian Army! Bhartiya Sena! Mujahid! कब से चल रहे हैं सर सर सुबह से ही तो कुछ लोग बैठे हुए थे कुछ लोग ये कुछ लोग हैं
इंडियन आर्मी हाय हाय भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना सर इन लोगों का कहना है जो टेररिस्ट मारे गए थे दो वो टेररिस्ट नहीं थे डू यू थिंक आई केयर सर डू यू थिंक आई केयर व्हाट दे आर सेइंग भारतीय सेना इंडियन आर्मी हाय हाय भाई बंदूक मार पीछे दिया ले भारतीय सेना तुम गरीबों की कोई नहीं सुनता कब से चिल्ला रही हूँ मेरे बच्चों की लाशों को तक देखने को नहीं दी अब सुनोगे सालों अब सुनोगे इन मिलिटेंट्स की मां जिंदा है जी हॉस्पिटल में आई एम नॉट ब्लेमिंग आर मैन चौहान बट आई एम ऑल्सो आंसरेबल इंटरनेट और सोशल मीडिया का टाइम है ये एक ट्वीट से थिंग्स गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन टू बी ऑनेस्ट सर मुझे जरा भी हमदर्दी नहीं है लोगों के साथ और ना ही मुझे जरा भी डाउट है अपनी आर्मी पर करेक्टिव मेजर्स लेना जरूरी है इफ यू से सो सर एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लाओ बेसिक इंक्वायरी करवाओ और खत्म करो इस बात को आई नो जस्ट द राइट पर्सन सर मेजर मोनिका मेहरा बाहर बंद हो चुका है सर बाहर दारू डाल इसके अंदर डाल अंदर डाल अंदर साले मैनेजर बाहर एक्सक्यूज मी यार दारू के लिए बेचारे को मार दोगे क्या काम डाल तुम पिलाओगे क्या हाँ हमारी पार्टी चल रही है वहां पर सो आई थिंक यू शुड कम जॉइन अस भैया क्या कहा था आपको पार्टी करनी है तो पुणे आया करो देखो यहाँ की लड़कियां खुद ब खुद चली आती है चलो लेट्स गो ओए साली तू जानती नहीं मैं कौन हूं तू जानता नहीं है मैं कौन अरे क्या मेरी जान बचाने पुलिस में मत कर ऐसा डाउन डाउन तुम्हारी पहचान दिल्ली पुलिस में हो पुणे पुलिस में हो या फिर हरियाणा पुलिस में दिस इज द इंडियन आर्मी अपोलोजाइज नाउ सॉरी सॉरी कैप्टन मनीष लिंच
सर्जन मनीष। त्रिपाठी पिक अप द नाइफ। जी पिक इट अप। अटैक सर। इट्स एन ऑर्डर कैप्टन। कॉम्बैट ट्रेनिंग का रूल है कैप्टन कि सामने वाला जब टैप करे तो उसे छोड़ देना चाहिए। लड़ाई में जोश का होना जितना जरूरी है, होश का ना होना उतना ही खतरनाक। गेट इट, गेट अप देन, स्टार्ट डूइंग पुशअप्स एंड कीप डूइंग देम टिल आई आस्क यू टू स्टॉप। मॉर्निंग सर। मेजर मोनिका, नाइस टू सी यू। हवलदार त्रिपाठी, मेजर मोनिका, जब तक ये जोधपुर में है, जहां भी जाना चाहें, जिससे भी मिलना चाहें, आप लेके जाएंगे। जी साहब। गुड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाउ इज द होश कैप्टन? ठिकाने पे सर। यू मे स्टॉप नाउ, कम। सो देयर वी गो। वेट, मोनिका, इस केस को दिल से नहीं, दिमाग से सॉल्व करना। गायत्री कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ का माहौल ठीक नहीं था उसके लिए। How did I not? How is she? Not good. Or as good as one can be in a situation like this. मोनिका पूरी दुनिया के लिए अजय एक स्लीन सोल्जर है, बट फॉर मी ही वाज वन ऑफ माय बेस्ट। ही वाज माय डॉटर्स फियांसे, माय फ्यूचर सन इन लॉ। प्लीज इस केस को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना, प्लीज। आई विल सर, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू। या कम इन प्लीज, आइए। लेफ्टिनेंट कर्नल सतपति, मेजर मोनिका मेहरा। हेलो सर। सतपति विल ब्रीफ यू अबाउट एवरीथिंग एंड थैंक यू वंस अगेन। आसिफ और खालिद, ये दोनों मिलिटेंट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज और वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए थे। इनका मेन काम था स्मगलिंग। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हथियार, गोला बारूद, खुफिया जानकारी मुहैया कराना वगैरह वगैरह। एक बॉर्डर क्रॉसिंग केस में ये पकड़े भी गए थे और तभी से आर्मी की नज़र इनके ऊपर थी। अनफॉर्चुनेटली इनके पकड़े जाने के बाद इन्होंने मेजर अजय पर फायरिंग शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग में वी लॉस्ट हिम। वैसे तो ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन इनकी माँ ने सबके सामने अपने आप को जला लिया ये कह के कि ये एक फेक एनकाउंटर था। तमाशा खड़ा कर दिया था उन्होंने यहां, धरना, नारेबाजी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। फॉर ऑल आई केयर, इन दोनों को वापस जिंदा करके फिर से फांसी दे देनी चाहिए। और आपको तो पता है, एनजीओज, मीडिया, इनको तो बस ऐसे मौके का इंतजार रहता है आर्मी पे हमला बोलने के लिए। फिर क्या, इंक्वायरी बैठ गई और आप यहां पे हैं। श्योर, आई थिंक आई अंडरस्टैंड सर। Can I meet Major Gaurav and Shakti? Sure. वो आपका इंतजार कर रहे हैं इंट्रोगेशन रूम में। आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। वैसे भी वो शाम को पार्टी में आ रहे हैं। पार्टी? ये आज मेरा जन्मदिन है। Oh, happy birthday, sir. Thank you. Thank you. Good morning, officers. Good morning. Major Monica Mehra. Major Shakti Mandapa. Nice to meet you. Major Gaurav Shekhawat. Nice to meet you. Please, likewise. Sir. Vaise to Lieutenant Colonel Satpati ne mujhe puri briefing de di hai, but I just want to hear your side of the story. It was a tragic night for us.
शाम को सडनली अजय का फोन आया और एक लोकेशन देकर उसने हमें वहां पहुंचने के लिए कहा। मेजर गौरव, एक टेररिस्ट एक्टिविटी की टिप मिली है। आई नीड यू एंड मेजर शक्ति एज बैकअप। ऑलराइट। हमने भी कुछ और नहीं पूछा बिकॉज इट वॉज अजय। ऑल वी वर डूइंग वॉज जस्ट फॉलोइंग हिज लीड। मुनाबाओ गांव बस पहुंचे ही थे कि अजय जंप्ड आउट ऑफ द कार और जैसे ही हम उनके घर में घुसे गोलियां चलने लगी। वो दोनों टेररिस्ट भागने लगे और अजय उन दोनों के पीछे भागा। वी फॉलोड हिम इंस्टेंटली पर उतने में दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पर इससे पहले कि हमें कुछ समझ में आता क्या हो रहा है, वी लॉस्ट हिम। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि उस दिन अजय वॉज आफ्टर आसिफ एंड खालिद, तो बिना बैकअप ना तो हम वहां जाते ना ही अजय को अकेले जाने देते। वो इतने डेंजरस टेररिस्ट थे कि उनसे अकेले डील करना वॉज इम्पॉसिबल। आवर ओनली रिग्रेट इज कि हम उसे बचा नहीं सके। आई एम सॉरी, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीती होगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। Hi, Major. Good Hi, evening. Major. How are you? Oh, hi. Who's this little girl? Ye meri beti Shivi hai. Oh, she's beautiful. And that's my wife, Serena. Oh, hi, Serena. Nice hi. To meet you. Lovely to meet you. So, guys. Hi, sir. Hi, sir. Did you meet? Major Monica? Oh, no problem. Ye Ajay ka case investigate kar rahi hai. Oh. So, new person at the base, that means... बेस का रिचुअल। व्हाट रिचुअल? कोई नया बंदा या बंदी बेस पे आता है तो उसको एक गेम खेलना होता है। ओके, कौन सा गेम? चीयर्स गाइस। स्कैंडलस स्टेटमेंट्स, अगर किया है तो पियो वरना मत पियो। नो एक्सप्लेनेशन। रणदीप, गेम का नाम क्या है? नेवर हैव आई एवर। नेवर नेवर हैव आई एवर, राइट? ओके ओके, यू स्टार्ट। नेवर हैव आई एवर मिस द ट्रेन। शिमला शिमला। My turn. Never have I ever peed in the pool. Ew! Gross! यार मैंने तो पी करा है पूल में, क्या करूँ? पी किया है तो पी ले। That's my turn. Never have I ever lied about my age. Gaurav. Gaurav. What? Okay, I'll go. Never have I ever shot someone. Oh, if looks could kill, Major Monica. Abey, line mana band kar. Major Shakti, your turn. Never have I ever. जी बोलना. Forgotten someone's birthday. Oh. Oh please, 2013. You forgot Gaurav's birthday. Oh, Serena! Looks like you know everything about them, huh? In and out. In logon ke bare mein kuch bhi janna ho, just ask me. Sorry, excuse me. Oh, guys, I have to take this. This is important. I'll see you gentlemen tomorrow. And Serena, it was really nice meeting you. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. You know what? I'm going to go check on Shivi. Yeah, please do. Yeah, please. Hey, who's turn now? Hey! शक्ति और खालिद? वो इतने डेंजरस टेररिस्ट थे कि उनसे अकेले डील करना वॉज इम्पॉसिबल। मतलब शक्ति ने मुझसे झूठ बोला? क्यों? ये देश की रक्षा करेंगे ये? एक रात की शराब हैंडल नहीं होती इनसे। Bloody imbeciles. You're up early. जी सर, मुझे मेजर गौरव और मेजर शक्ति को एक और बार क्वेश्चन करना था। Really? कल हो गई थी ना बात उनसे? हो गई थी सर। आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर। लाइक फादर लाइक डॉटर, ऑलवेज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। डू इट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग. मॉर्निंग मेजर. मुझे आपसे कुछ बात करनी थी. श्योर. गेम खत्म हो जाए फिर आपको मैं इसकी चाय पिलाता हूँ. एक्चुअली आई एम इन अ रश. मेजर मोनिका आप सिर्फ एक पॉइंट चाहिए. इस 13-12 ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और वैसे भी कल तो बात कर ली थी ना आपने इनसे. फिर से बात करनी है. प्रॉब्लम व्हाट मेजर. इट्स एन ओपन एंड शट केस. आप बस अपना रिपोर्ट फाइल कर दीजिए फिर चाय के हम लोग ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट करेंगे. थैंक्स कर्नल. इट्स मेजर नॉट कर्नल. ओ इज इट. नहीं आप ऑर्डर्स दे रहे थे ना तो मुझे लगा कि आप एक्टिंग कर्नल है. मेजर मैं कार्तिक की तरफ से माफी मांगता हूँ. वो थोड़ा इमोशनल है अजय को लेकर. मेजर शक्ति आप इस ऑपरेशन से पहले कभी उस मिलिटेंट खालिद से मिले थे? हाँ मिला था एक बार. कब और कहाँ? लगभग 3-4 महीने पहले. आसिफ और खालिद को पकड़ने के लिए बस इतना जानना काफी नहीं था कि वो टेररिस्ट थे. उनका पूरा गेम प्लान जानना जरूरी था. उनकी पहुंच, उनके तौर तरीके, सब कुछ. इसलिए मैं खालिद के साथ गया. शेखर राणावत आर्मी से. आर्मी से होता तो अकेला नहीं आता, फौज लेके आता. ए माया ठंड रख एडवांस है बाकी का काम के बाद. होटल बता. 10 लाख हाल गए. बंदूकें 2 बक्से. तू कहां से है? अब जन्म पत्री भी लेगा क्या? काम करेगा कि नहीं? परसों रात को आ जाना अकेले. बस हमारी टिप करेक्ट निकली. शक पुख्ता हो गया और हम उनके पीछे लग गए. एनी प्रॉब्लम मेजर? नो. मैं बस आपकी स्टोरी वेरीफाई कर लूं एंड देन माय वर्क हियर इज डन. थैंक्स फॉर योर टाइम मेजर. ऑलराइट. Appreciate it. See you. Thank you, sir. Thank you. Sit on my chair. Sit on my head. Oye, चेहरा तो देख लो, भूल जाओगी. Hi, baby. क्या हुआ? यू ओके? यार दिस शक्ति एंड गौरव ना रियली दे गेटिंग ऑन माय नर्व्स. लिसन आई वाज थिंकिंग सिंस यू कांट मेक इट दिस वीकेंड तो मैं आ जाऊं. ये आदमी कौन है? आई कॉल यू बैक. रिपार्टी गाड़ी निकालो जल्दी. मैडम वहां थी उनकी दुकान. एक बात कहें मैडम? आपके लिए सेफ नहीं है ये जगह. मतलब आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था. अकेले कहाँ हूँ मैं? आप है ना मेरे साथ. चलिए. मैडम आप तो मतलब मैडम मेरे लिए भी सेफ नहीं है ये जगह. इसलिए कह रही हूँ मुंह बंद करके जीप कहीं दूर खड़ी करना और जब मैं बोलूं तभी नजर आना. समझे? जी मैडम. मैडम ऑल द बेस्ट. आओ सर आओ सर चुड़ैल लो चुड़िया. आओ सर आओ सर. कमाल है मैडम. नमस्ते. और इस आदमी को कहीं देखा है क्या आपने? आ लीजिए भाजी. ये लो. जानते हैं क्या आप इसे? मैडम हम इनको नहीं जानते. हाँ लीजिए आप. लीजिए लीजिए बहुत अच्छी है. ये लीजिए आप चूड़ी लीजिए. बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है. नमस्ते माता जी कैसे हैं आप? ये आपने इसको कहीं देखा है क्या? ध्यान से देखिए. जानती हैं आप? अरे नहीं देखा हमने. जाओ
बीबी चूड़ियां तो देखते जाओ। अरे देखो तो नहीं, सही नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नीला पीला नहीं, नहीं, छोटा नहीं, बड़ा सब कुछ है दीदी। देर दीदी देख तो लीजिए एक बार, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए थैंक यू। अरे दीदी देख तो लीजिए इतना सुंदर है दीदी। दीदी घना चोखा माल है। नहीं चाहिए थैंक यू। सॉरी बहुत जी एने तने बताया को नहीं बंजारा रो गाड़ियों में आना हो तो सावधानी में आनो चाहिए। जिप लेके आन की दादानी क्यों करी। देखिए मैं किसी को परेशान नहीं करने आई हूं। मैं बस ही तो कोनी करे आर्मी वाला। तुम आर्मी से पंगा लोगे। हलेंगे पंगा। मारे दोस्त की मम्मी खुद पर केरोसिन डाल के जल गई थी। सिर्फ थारे आर्मी वालों ने समझाने वास्ते कि मारो किन्नो डरो कुन्नी। या तो खुद जल जावेंगे या थारे जला देवेंगे। पर अब हमारा लौंडारो और फायदो नहीं उठावन दे वाला। अब हमारा दिमाग बहुत गर्म हो गया है। खैरियत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो। नहीं जाऊंगी तो क्या करोगे। पकड़ पकड़ ए पकड़ मार 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 ए हट पूछा पूछा ए दीदी ये चिट्ठी आपके लिए। ओए ओए क्या है ये किसने दिया। जिसे आप ढूंढ रही है वो आपको 5 बजे ब्लू सिटी के चाय टपरी पर मिलेगा। ये यहाँ भाई साहब के जी जो चल चला ना अभी भाई साहब ये इसे कहीं देखा है क्या। वो काली टी शर्ट वाली तुम्हारे बारे में पूछ रही है। नहीं मैं कौन जानू। घुंगरू नाम है इसका ध्यान से देखिए। नहीं मैंने पता कौन अगर कोई दुकान पूछ लो रहे हैं। रिवॉल्वर पुराना है मैडम अपने साहब को कहो नया रिवॉल्वर दे दे। मॉडल पुराना है पर अगर निशाने पर लगे ना बस तो काम वही करता है। क्या हो रहा था उसने यहाँ पर। अरे आप हमारा फोटो लेकर घूम रही हैं। वाह जवाब दो। 500 रुपया बस। मुखबिर समझती हैं आप। सुट्टा है। खबरी फौजियों ने इस इलाके में बहुत सारे खबरी पाल रखे रख जिनमें से एक था खालिद। सुना है कुछ माल पार जा रहा है जैसलमेर से बंदूकें वगैरह। पता नहीं हुकुम तेरा भाई कहाँ पे। वो मौलाना के पास गया कुछ काम से। अच्छा जो माल पार जा रहा है बंदूकें हैं या ड्रग्स। नहीं पता हुकुम। पता नहीं तो पाल क्यों रखा है तुझे मैंने। अपना नहीं तो अपने भाई का ख्याल रख। क्यों उसका करियर खराब कर रहा है। दोनों गायब हो जाएंगे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा। जनाब बस इतना जानते हैं कि परसों रात बॉर्डर पे कुछ हरकत होने वाली है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हम।
ठीक है, तू खबर निकाल के रख, मैं वापस आता हूँ। मतलब खालिद मिलिटेंट नहीं था? मामूली गरीब आदमी थे मैडम। इस गांव में एक हिंदू बुढ़िया रहती थी, बहुत भुगत रही थी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसकी अस्थियां उसके पति की तरह पाकिस्तान में सतलुज नदी में बहा दी जाए। उसके मरने के बाद दोनों भाइयों ने ये वही किया, उसकी अस्थियां लेकर बॉर्डर क्रॉस किया। उग्रवादी नहीं थे, मुखबिर थे। उनकी गलती यही हुई कि उन्होंने आर्मी पर भरोसा किया। ये आर्मी प्याज की तरह मैडम, जितना परते खोलोगी उतनी ही परते निकलती जाएंगी। और सुनो, बिना आंसू बहाए ये परते नहीं खुलेंगी। व्यांगत, यू लाइड टू मी, झूठ बोला तुमने मुझसे। What are you trying to hide, Major Shakti? Look, you need to tell me the truth right now. Huh? And a hi to you too, Monica. Calm down, take a seat. I am calm, trust me. Main dobara nahi puchungi. What are you trying to hide? I think tumhe dobara puchna padega. Because he won't answer anything right now. Why? Are you his lawyer? I think he can speak for himself. Calm down, guys, calm down. And Monica, we'll answer all your questions, but not right now. And our legal counsel is here. तुम जो चाहे पूछ लेना। Legal counsel? They'll give you a lawyer. तुम सवाल इतने पूछ रही थी तो हमें लगा हमें भी legal counsel की ज़रूरत है। Colonel Chauhan ने authorize किया। आ गए वकील साहब। Hey Monica. कभी तो रूल्स फॉलो किया करो यार। गुड मॉर्निंग मेजर। मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? हैव अ सीट। अंकित इज हियर, डिड यू सी हिम? आई डिड सर, और उसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मोनिका, अंगद के यहाँ होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। द बॉयज वर एंटाइटल्ड टू लीगल काउंसिल, दैट्स व्हाई ही सर। व्हाट लीगल काउंसिल सर? आई थॉट दिस वाज जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। मोनिका, आई नो यू एंड अंगद वर इन अ रिलेशनशिप, बट इट्स ऑल गुड नाउ, राइट? आई कैन हैव हिम रिप्लेस्ड इफ दैट्स व्हाट यू वांट। नो सर, इफ दे एंटाइटल्ड टू अ लीगल काउंसिल देन दैट्स हाउ इट शुड बी। You sure? Yes. अच्छा लिसन ना, यार नहीं, कुछ ना इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तेरा कोई दोस्त है ना कश्मीर में? बलविंदर, ओके, तो प्लीज बात करवा देगी? हाँ, थैंक्स डन, थैंक्स। अंगद! Hey, Revo, चाय। हमारा म्यूजिक में टेस्ट अभी भी उतना ही घटिया है ना? और प्लीज यार, टी-शर्ट तो पहन लो। अरे क्यों? You can't resist my hot shot body, Miss Mera. What? अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कल कुछ ज्यादा चढ़ रही थी उन पर? चढ़ रही थी? Hey, that's not what I meant. I mean, तुम हमेशा इतनी अग्रेसिव क्यों रहती हो यार? चिल करो ना लाइफ में, those guys were being perfectly cooperative. What? Will you never stop telling me what to do? Tumhari girlfriend nahi hu main. Sorry? Seriously? Are you kidding me? I hope you abhi tumhe relax karta hai. That's very nice of you, Angad, but
I don't drink coffee anymore. Let's keep this professional. किसी ऐरे गैरे की टेस्ट नहीं सुनके तुम इनकी क्रेडिबिलिटी डाउट कर रही हो. That's just ridiculous. मैं किसी की क्रेडिबिलिटी डाउट नहीं कर रही हूँ. I got a tip and I'm simply following it. I'm just trying to do my job, जो शायद आपको भी करना चाहिए. Job? काश ऐसी job हमारी भी होती. एसी कैबिन में बैठ के स्पिक एंड स्पैन वर्दी पहन के दूसरों पे उंगली उठाओ. यू नो व्हाट मैडम, हमारी वर्दी मैली होती है बट एटलीस्ट आवर कॉन्शियंस इज क्लियर. ओके ओके, लेट्स नॉट गेट इमोशनल ऑफिसर्स. ये भी बस अपना ड्यूटी कर रही है. सो वॉक विद मी. इस आदमी को लेकर कोई लीड्स है आपके पास, कोई जिसे हम इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, सो वी कैन शट दिस केस. गाइस कम ऑन, समथिंग, एनीथिंग. मेजर, वहाँ पे एक दरगाह है एंड एज यू नो कि इट्स अ होली प्लेस. डोंट टेक मी अदरवाइज. हमारे इंटेल हमें बताती है कि उस दरगाह में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं. उस दरगाह के मौलाना, मौलाना मकबूल, इन सब में जुड़े हुए हैं. आसिफ वॉज अ टेररिस्ट एंड आसिफ मौलाना के लिए काम करता था, उस दरगाह में जाता था. इफ़ यू पुट टू एंड टू टुगेदर, अगर आप वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, यू विल गेट सम लीड्स. कुछ मिल सकता है आपको वहाँ पर. वर्दी साफ हो या मैली, एसी कैबिन में हो या जंग के मैदान में, यू वेयर द सेम यूनिफॉर्म. सो आई सजेस्ट कि अगली बार अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, इस तरह के सॉल्यूशंस प्रेजेंट करें. आई रिस्पेक्ट व्हाट यू डू एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू. सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, टिल दिस इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, यू विल हैव टू फेस मी. मोनिका, अरे अकेली नहीं, इट्स नॉट सेफ. कहाँ चली गई है? पता नहीं सर, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता है सर. अरे इतनी भी बुरी नहीं है सर. What's wrong with you? The fuck? मोनिका, ये क्या? यार जोधपुर छोटा सा शहर है और दो दिन में ना बहुत कांड हो चुका है, लोग पहचानने लगे, तो मुझे लगा कि दिस विल हेल्प. बोला था ना सर? हाँ सही बोला था. क्या बोला था? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो आप. लेट्स गो. जी यार, भाई साहब, ये मौलाना मकबूल कहाँ मिलेंगे? अंदर दरगाह में. शुक्रिया सर, डकर जाइए. आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मौलाना जी. कहिए. हम बाहर से आए हैं, आपसे थोड़ी बात करनी थी. बाहर से आए हैं? जी. बाहर से आने वालों से हम बात करना पसंद नहीं करते हैं. खुदा हाफिज़. आसिफ आपको बहुत मानता था. हमें बस उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए. आप फौज से हैं या पुलिस से? जान तो बच्चे की आप पहले ही ले चुके हैं, अब उसके बारे में जानकारी हासिल करके आप क्या लेना चाहते हैं? आप जैसे लोगों से बात करने के लिए ना तो हमारे पास वक्त है, ना हमें इसकी जरूरत है. खुदा हाफिज. अरे सब इन्हें रूट क्यों है? Let's go. समझ नहीं आ रहा है किस पर भरोसा करें किस पर नहीं. I mean, okay, सुनो, अभी रिएक्ट मत करना. मुझे लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है. एक काम करो, यू प्ले अलोंग विद हिम, ठीक है? मैं गाड़ी में रुकता हूँ, आई बैक यू फ्रॉम देयर. ओके.
कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं जीनत। तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और सुनो, वो मार्केट में आग तुम्ही ने लगाई थी ना, घुंघरू का पता भी तुम्ही ने दिया था। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपसे बात करना चाहती थी बीबी, पर हिम्मत नहीं कर पाए। यहाँ फौजियों से कोई बात नहीं करना चाहता, वो ना करे पर हम जरूर करेंगे। आसिफ आतंकवादी नहीं था बीबी। आप सब लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है आसिफ को लेकर और मौलाना मकबूल को लेकर भी। तुम कहना क्या चाहती हो? मौलाना मकबूल ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो सिर्फ गांव में सबकी मदद करना चाहते हैं और सबकी मदद करते हैं। कैसी मदद? बीबी बॉर्डर हमारे घर के बहुत करीब है, कई बार कुछ बेचारे बॉर्डर के इस पार और उस पार चले जाते हैं। मौलाना मकबूल उन्हीं की मदद करते थे, उन सबके परिवारों की, और आसिफ उनकी मदद करता था कागजात से, लोगों से बातचीत करके। पूरे गाँव में, पूरे शहर में सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल उसे ही करना आता था, सिर्फ उसे। तुम्हें कैसे पता ये सब? निकाह होने वाला था हमारा, बहुत नेक दिल था मेरा आसिफ, उस पर लगाया गया हर इल्जाम झूठा है बीबी। बस एक मामूली सा मेहनती लड़का था जिसका पूरा परिवार मिट्टी में मिल गया। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो उनकी अम्मी से बात कर लीजिए। अब उनकी तबीयत कैसी है, वो बात कर सकते हैं उनसे? इलाज जारी है लेकिन जख्म बहुत गहरे शरीर पर भी और दिल पर भी। क्या वो बात कर पा रही है? मुझे हॉस्पिटल लेकर चलोगे तुम? जी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत लोग होंगे वहाँ रात को। ठीक है बीबी, मैं चलती हूँ। थैंक यू। थैंक हे hey. सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मैं तुमसे बात करती हूँ। मोनिका, आसिफ और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। ओके, वी हैव टू टेक व्हाटएवर शी सेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बस थियरी है। इट्स स्टिल अ थियरी, डिसमिस तो नहीं कर सकते ना? देखो, ना तो मैं डिसमिस कर रहा हूँ ना ही वैलिडेट कर रहा हूँ। दैट्स योर जॉब। जीनत ने मुझे कहा है कि वो आसिफ की अम्मी से मुझे आज मिलाएगी, तो आई थिंक आई शुड गो देयर। या कूल। अम्मी एक बार बात सुन लीजिए, मीबी हमारी मदद करने आई हैं, आसिफ और खालिद की बेगुनाही में इंसाफ दिलाने के लिए हमारी मदद करेंगी वो। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, और मैं बस आपकी मदद। लाश, लाश देखने को नहीं दी। ख्याल रखिए प्लीज। अम्मी मैं बस आती हूँ। उनका क्या मतलब कि वो लाशें नहीं देख पाई? अब बीबी लाशें आई और दफना दी गई। आपको अंदर बुला रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। आसिफ और खालिद की बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम नहीं तो डेड बॉडीज को उनकी फैमिलीज को हैंडओवर कर दिया गया था और इसी के साथ कहानी खत्म। मुझे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स चाहिए। आई जस्ट टोल्ड यू
उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो फिर करवाइए। लगता है आप भी ड्रिंक करके आई हुई हैं। दफनाई गई बॉडीज का पोस्टमार्टम नहीं होता। You just answered your own question. उन्हें एक्सह्यूम करवाइए। Excuse me? You heard me right. Exhume the bodies, please. इस केस का सच और उस रात की सच्चाई अब आसिफ और खालिद की लाशें ही बताएंगे। क्या कह रही हो मेजर? दफनाई हुई बॉडीज को निकालना है? It's been weeks since they've been buried. And sir, ऊपर से वो मुसलमानों का गांव है, उनमें पोस्टमार्टम चीर फाड़ करना हराम मानते हैं सर। दिस इज रिडिकुलस। बेकार की टेंशन होगी सर। एग्जैक्टली सर, हमारे पास उनकी अम्मी की परमिशन है। बात परमिशन की नहीं है मोनिका, उन्हें दफनाए हुए दो हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, बॉडीज डिकम्पोज हो गई होंगी। इस पॉइंट पे एक्ज्यूम करके मिलेगा क्या? सर नॉर्मल केसेस में डिकम्पोजिशन शुरू होने में 2 से 7 दिन लगते हैं, लेकिन राजस्थान की जोन की मिट्टी में ह्यूमिडिटी बहुत लो है और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा। अब ये देखिए, ये है वेदर रिपोर्ट। पिछले 3 हफ्तों से डी टेम्परेचर काफी हाई रहा है। एक्टिव डीके शुरू नहीं हुआ होगा, हमें वाइटल इंफॉर्मेशन मिल सकती है बॉडी से। जस्ट व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव मेजर? आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माय जॉब सर, द वे यू'ड वांट मी टू। एक साइड की सुन ली है, अब दूसरे साइड का देख लेते हैं। अंगद सर, अगर उसके पास मां की परमिशन है, शी हैज राइट टू डू व्हाटएवर टेक्स। ओके देन, डू द नीडफुल मेजर। थैंक यू। ए, गाड़ी आ गई, देखो उड़ो। कहाँ पे? मेरा हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें निकलना चाहिए। ओके इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, मोनिका व्हाट द फक। गेट इट। मेरी बात सुनिए, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, मेरी बात सुनिए प्लीज। तुम्हें जरा सा भी अंदाज है हमारे साथ क्या हो सकता था? मैंने कहा था कि हम पुलिस प्रोटेक्शन लेकर जाएंगे, बने अकेले जाना है। The army cannot engage with civilians like this. Do you understand that? और तुम बात क्या कर रही थी? You could have been fucking killed out there, यार। तुम इतनी impulsive क्यों हो? Fuck. उन तक ये खबर पहुंची कैसे कि हम बॉडीज एग्ज्यूम करने आ रहे थे? आर्मी में हम हमारी किस्मत हर रोज खुद लिखते हैं। साथ खड़े होकर हर रोज मौत की आंखों में आंखें डालकर हम कहते हैं नॉट टुडे। वी प्रोटेक्ट नॉट ओनली द नेशन बट एवरी सिंगल वन ऑफ आर ओन एंड अबव ऑल द ऑनर ऑफ आर यूनिफॉर्म टुडे एंड टिल द एंड ऑफ इटर्निटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द इवनिंग। Good evening, sir. Evening, gentlemen. Good job today. Colonel ने मुझे बताया आज कब्रिस्तान में क्या हुआ और क्या हो सकता था। Thank you, sir. Just doing my job. Just get done with it soon now, okay? Yes, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. I'm good, sir. Thank you. देखो ये जो चोट का दर्द है वो तो दवाई से चला जाएगा,
लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में खलबली चल रही है वो विस्की से ही जाएगी। Have fun. Thank you. Cheers. Cheers. Sir, मैं वो सिचुएशन संभाल सकती थी। I'm sure. You know, Monica, Air Force हो या Army या Navy, वो फोर्स तभी होता है जब उसमें टीम वर्क हो। एक सोल्जर को शहीद होते सुना है, कभी एक बटालियन को शहीद होते सुना है? Army is plural. There is no singular word for it. You or I नहीं, हम होता है Army. अगर तुम्हें आगे बढ़ना है मोनिका तो तुम्हें टीम के साथ काम करना सीखना होगा। अंगद एंड यू आर अ टीम एंड बिलीव इट और नॉट, आज तुम्हारे टीममेट ने तुम्हें शहीद होने से बचा लिया। यू ओ हिम अ ड्रिंक। या यू गुड? चीयर्स। कितनी शिवडी, क्या हुआ? तभी तो ठीक है ना? Well, I'm told you saved the day. Wait a second. तुम thank you कह रही हो? Don't push it, Angad. Drive ना करूं? By the way, ये drink Colonel ने भेजी। अगर मेरी तरफ से drink चाहिए, so you know where we have to go. Just like old times, eh? Kind of. यार ये दरवाजे ना। लास्ट कब आए थे यहाँ? ऑलमोस्ट 8 साल पहले। पहली डेट, पहला किस, हमारा तो ब्रेकअप यार नहीं हुआ था। रिमेंबर वहाँ बार पे बैठ के हमेशा पीते थे। आई डू। याद है जब तुम ड्रंक होके एक बार? हाँ बस अब बैठे। चलो। ओह गॉड, सेम किसी भी इंटीरियर्स। क्या? And that's done. What are you doing? And done. Just like old times. You're crazy. I know. Drink? Yes, please. Wait up. अच्छा बताओ, मुझे छोड़कर अच्छा किया या फिर बैड डिसीजन? योर लॉस। या बैड डिसीजन। माय होल लाइफ हैज बीन अबाउट बैड डिसीजन, राइट? या अंगद संधू, मी, यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ ऑल माय बैड डिसीजंस। व्हाट? शक्ल देखो अपनी, क्योंकि चुप है। फक, जल्दी जल्दी करो, कोई देखना ले। कम से कम मैं यादगार तो था। हाँ, तेरे मिस्टर कॉम्प्रोमाइज की तरह मैं कॉम्प्रोमाइज बन के रह नहीं जाऊंगा। एटलीस्ट वो रहेगा तो तेरी तरह डम तो नहीं करूंगी। हेलो हेलो, डम डम है, वी हैड अ म्यूचुअल ब्रेकअप, किसने किसको डम नहीं किया? दैट्स व्हाट यू थिंक। बॉडी इनका हेलो हेलो हो गया? हाँ मैडम, काम हो गया। मोनिका तुम मुझे प्लीज बताओ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काम हो गया जी? काम हो गया। काम आ गणी। थैंक यू। आपका थप्पड़ अभी भी हमारे गाल पे है। कुछ भी काम हो, एक नाम घुंघरू, बहुत जोर का थप्पड़ मारती है। पता है। Fuck yeah. चल, let's go. सतपति आ गया यहाँ पे? You called him? No, did you? No. So. अंगद, मैं तुमसे सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा है और आपको तो लगता ही नहीं। सर, वो मेरा फोन
बंद है, इसीलिए ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। किस सिलसिले में आपको बात करनी है? ये जो आप बॉडीज एग्ज्यूम कराना चाहती हैं, उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इट्स डन। व्हाट? बॉडीज एग्ज्यूम हो गए? हाँ, अंदर चलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देख लेते हैं। वी ओनली हैव 3 आवर्स। सुबह की नमाज से पहले बॉडीज को वापस दफनाना है। मोनिका, आई होप यू रियलाइज कि इसके कितने डार्क कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सर, अगर आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें तो कॉन्सिक्वेंसेज कम भी हो सकते हैं। लेट्स गो। चलिए सर। देखिए, मैंने दोनों बॉडीज को एग्जामिन किया है। आसिफ की बॉडी में मुझे 2 बुलेट इंजरीज दिखी हैं। 1 गनशॉट विच पंक्चर्ड हिज लंग्स, यहां 4th पसली के ऊपर जिसे प्रीकॉर्डियल रीजन कहते हैं। यह गोली बहुत नजदीक से चलाई गई थी। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े अब भी टिश्यूज में हैं। जब चेस्ट वॉल्व में होल होता है तो बाहर से एयर लंग्स को पुश करती है, जिसके कारण लंग्स कांट एक्सपैंड एंड इट कोलैप्सेस। दिस इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे बेहोशी होती है और फिर धीरे धीरे सांस ना आने की वजह से मौत। लेकिन ये उस वजह से नहीं मरा, इसे दूसरी गोली जो लगी, ये गोली पीछे से चलाई गई सीधे सर पर, जो मुझे बॉडी से मिली। आसिफ की मौत इस गोली से हुई। और खालिद? खालिद की मौत सिर्फ 1 बुलेट शॉट से हुई, वो गोली जो सीधे उसके दिल में लगी। एंड द बुलेट पार्टिकल्स आर स्टिल देयर। और मेजर अजय को 1 बुलेट थ्रू द नेक, राइट? यस, बिल्कुल जैसा उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था। यस, थैंक यू डॉक्टर। पहले आसिफ गिरा, बाद में खालिद को गोली लगी, और जैसे ही मेजर अजय खालिद के पास पहुंचते हैं, आसिफ नीचे से स्ट्रेट शॉट, एग्जैक्टली लाइक रिपोर्टेड। नाउ यू आर कन्विंस्ड? या कुछ और डेड बॉडीज को एग्ज्यूम करवाया जाए? You answered my call, huh? Busy nahi ho? Don't ask, baby. It's all so fucked up. Fucked up? Apne ex-boyfriend ke saath sharab peena, that's fucked up. Especially jab tumhari shaadi 2 hafte mein hone wali hai. What? Tumhe kaise pata? Kya farak padta hai? Monica, you know something? I just don't know what to make of this. Ye chupana, jhoot bolna, aisa lag raha hai jaise main तुम्हें जानता ही नहीं। Dash, I get it. Just please hear me out. एक मिनट, पहले तुम मेरी बात सुनो। And I may sound like a misogynist here, but तुम्हें decide करना पड़ेगा, ये केस और मैं। सोच के बता देना मुझे। Dash, I get it. You're angry, but now you're overreacting. Just hear me out once. कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। अब फैसला लो और खत्म करो। Also, happy birthday to me. स्विच ऑफ माई फोन लास्ट टाइम, क्योंकि तुम्हें पता था कि सतपति कॉल करेगा, राइट? मोनिका, तुम दूसरों के साथ ही गेम्स खेलते हो ना, आई अंडरस्टैंड। असली सी मेरे साथ? यू नो, ये बहुत ही घटिया और बेहूदी हरकत थी, एंड इट्स नॉट डन।
द आयरनी ऑफ इट ऑल इज कल रात मुझे फाइनली लगा कि हम मूव ऑन कर रहे हैं टू अ फ्रेश स्टार्ट बट नाउ मैं रिपोर्ट फाइल करके वापस जा रही हूँ एंड यस आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू तुम मेरे पास में थे और वही रहोगे सच जानने के लिए जो कुछ भी करना था सब कर लिया पर अब तो उंगली उठाने के लिए भी कुछ नहीं बचा मैंने भी पता नहीं इतने सिंपल से केस को क्यों कॉम्प्लिकेट कर दिया एनीवे अब रिपोर्ट फाइल करके वापस चली जाऊंगी आई एम डन हियर Hello? One second, I can't hear you. Hello? Hello? Yeah, tell me. Achha, listen. Yahan Kashmir mein 7 saal pehle ek similar fake encounter hua tha. Inquiry bhi baithi thi, par officer ko clean chit mil gayi. Officer ka naam tha Major Shakti Mandapa. Are you sure? Yes, I'm sure. सात साल पहले भी एक एनकाउंटर क्या क्या ये शक्ति का पैटर्न है चल क्या रहा है यहाँ पर What's going on? So major, case over, report is done. Yes, sir. मेरी तरफ से रेडी है सर पर अंगद साइन नहीं करना चाहता What? कह रहा था उसे फाइनल राउंड क्वेश्चनिंग करना है अंगद यस सर सॉरी सर बस एक दो सवाल बचे रिपोर्ट सील करने के लिए इट वोंट टेक मच टाइम जस्ट रैप दिस अप क्विकली गाइस बहुत ज्यादा खिंच गई ऑलरेडी यस सर विद योर परमिशन सर आई सी यू इन अ बिट तो बताए उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था शेयर एवरी लिटिल डिटेल 5 जनवरी की शाम को अजय को खबर मिली थी कि एक बड़ा आर्म्स कंसाइनमेंट बॉर्डर के उस पार जाने वाला है उसने हमें इन्फॉर्म किया बिकॉज वी वर फॉलोइंग द बॉयज फॉर अ वाइल टाइम डिटेल्स एवरीथिंग 5 जनवरी की शाम 1740 आवर्स को अजय को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये टेररिस्ट मुनाबाओ गांव से एक आर्म्स का बड़ा कंसाइनमेंट बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे तुम्हें कैसे पता है कि it was exactly 1740 hours? Major, I'm an army man. Remembering these important details is not difficult for me. 1830 hours पर लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपने क्या किया? हमें पता था कि टेररिस्ट अंदर हैं और हम उन्हें जिंदा कैप्चर करना चाहते थे पर अजय ने गोली पहले चलाई and it turned out that उनके पास भी गन्स थी They fired and then they ran. हमने उनका पीछा किया क्रॉस फायरिंग हुई अजय की गोली आसिफ को लगी आसिफ को गोली लगी फिर तुमने क्या किया आसिफ गिर गया खालिद ट्राई टू एस्केप अजय ने वार्न किया वो रुका नहीं ही शॉट खालिद खालिद गिर गया अजय वेंट टू चेक ऑन हिम और उतने में पीछे से आसिफ शॉट अजय तो आसिफ ने फेटली इंजर्ड होने के बावजूद करीब 14 फीट से परफेक्ट एम लिया व्हाई डिडंट यू स्टॉप हिम फील्ड मिशन था अगर मैं कुछ कर पाता तो मेजर अजय मरते ही क्यों It all happened too quickly. Ajay mera dost tha. I reacted as quickly as I could. Aur isliye maine Asif ko goli mari after he shot Ajay. Okay, so just to be sure, ek baar phir compile karta hai. Aap log 1830 hours ko nikle, phir kya hua? Monica, bas bhi karo yaar. Ek hi sawal baar baar puchne se sach badlega to nahi na. Exactly, Angad. Agar badla to wo sach nahi hoga. Jab Munaba gaon se 10 minute duri par rehte ho, to 15 minute kyun lage? You bloody out of your mind. I don't know. Let's check. Gaurav ko bhi bula lete hain. Kedar!
यस सर। मेजर गौरव को अंदर भेज। मेजर गौरव, आप आर्मी में कब कमीशन हुए थे? मोनिका, इसका केस के साथ क्या कनेक्शन है? मेजर गौरव शिकावत, आई एम ए बैच ऑफ 2008। मेजर शक्ति, आप? मेजर शक्ति मंदबा, आई एम ए बैच 2008। ओके, सो व्हाट? मेजर शक्ति, आपको इस बेस में आए कितना वक्त हुआ? 6 months। प्रिसाइज आंसर मेजर। 6 months and 4 days। मेजर? 6 months and 4 days। इंटरेस्टिंग। दोनों की पोस्टिंग एक साथ हुई थी। दैट डजंट चेंज एनीथिंग। नथिंग येट। मेजर गौरव, आप इससे पहले कहाँ पोस्टेड थे? अवंतीपुरा कश्मीर। मेजर? अवंतीपुरा कश्मीर। मेजर गौरव, आपका जोधपुर ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर था? मेजर? आपका जोधपुर ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर था या फिर कश्मीर में कुछ हुआ था? साहिल और अनीस, कुछ याद आया? कुछ याद आया मेजर? याद है, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहे थे जब इन्हें मारा था। टेररिस्ट थे दोनों और मैंने किया इनका एनकाउंटर। इस ऑपरेशन के बाद मुझे यहां पे ट्रांसफर किया गया था मेरी सेफ्टी के लिए। और कुछ? इन सबका इतना ही साथ देना है तो वर्दी उतार दो, रिजाइन कर दो ना। यू नो व्हाट? जब पुलवामा में एक चूतिया टेररिस्ट मेरे 40 सीआरपीएफ भाइयों को मौत के घाट उतारता है ना, सो वेदर पीपल लाइक यू लाइक इट और नॉट, एयर स्ट्राइक्स होंगे। वी वर्क फॉर द आर्मी एंड इट इज आवर जॉब टू प्रोटेक्ट द पीपल। सो टेररिस्ट एक हो या 10, मैं एक एक को चुन चुन के पकड़ पकड़ के मारूंगा एंड फॉर दैट आई विल नेवर अपोलोजाइज टू एनीवन। गाइस, यू अंडरस्टैंड? गाइस, गाइस, लेट्स नॉट फॉरगेट प्रोटोकॉल, ओके? यू मे लीव। तुम क्या अप्रूव करना चाह रही हो मोनिका? सीरियसली, व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर लास्ट नाइट? व्हाट? वेल, लाल मांस खाना था, खत्म हो गया तो राजमा चावल। लंच में क्या खाया था? फक, आई डोंट रिमेम्बर। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अंगद कि इंसान कल लंच या डिनर में क्या खाया ये उसे याद नहीं होता, बट दीस गाइस दे रिमेम्बर एवरीथिंग प्रिसाइसली, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एवरी लिटिल डिटेल। ऑफ कोर्स दे डू, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम उन्हें ग्रिल करने वाली हो ना, सो दे जस्ट बीइंग डबली श्योर अबाउट इट, दैट्स इट। नो 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 नो, देयर इज समथिंग अमिस। I know it for a fact. Something's not right. I can feel it. So, आपने बुलाया? Sit. सत्रह साल का था मैं जब मैंने डिसाइड किया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए। जानती हो क्यों? नहीं सर, क्यों? मेरे पिताजी आर्मी में थे, उनसे पहले मेरे दादाजी आर्मी में थे। पूरी फैमिली का एक ही मकसद था कि देश के हर नागरिक को यह मौका मिले, यह आजादी मिले कि वो चैन की नींद सो सके। पर आज आई थिंक आई फेल्ड। समय मैं समझी नहीं आप। वो कहते हैं ना कि हर कहानी के तीन पहलू होते हैं, उनका, तुम्हारा और सच, राइट? तुम सच ढूंढने की कोशिश कर रही हो, राइट? सर, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। राइट, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, अपना काम कर रही थी।
क्या काम है तुम्हारा? क्या काम है? आर्मी ऑफिसर्स को क्रिमिनल्स की तरह महसूस करवाना, उन पर लगातार उंगली उठाना, जो नहीं उसे ढूंढने की कोशिश करना, आर्मी की बेइज्जती करना, अगर यह तुम्हारा काम है, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ इट। सेवा मेडल के लिए रेकमेंड करूंगा तुम्हें। आई हैव नॉट फिनिश्ड, डू नॉट इंटरप्ट मी मेजर मोनिका मेहरा, डोंट इंटरप्ट मी। मेजर अजय शहीद हुए हैं, उसकी मौत का दुख मुझसे और गायत्री से ज्यादा किसी और को नहीं हो सकता। गायत्री से शादी होने वाली थी, उसकी कार्ड सब चुके थे। इट्स अ पर्सनल लॉस मोनिका, और उसके बावजूद मैंने एक आंसू नहीं बहाया, नॉट वन टियर। यू नो व्हाई? क्योंकि जब आप ये वर्दी पहनते हैं उसके बाद से आप दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से। जान जाती है फील्ड, यू आर द किल और यू डाई। लेकिन इस देश की आदत हो गई है हमारे हर फैसले पर उंगली उठाने की। गोली क्यों चलाई? ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। गोली क्यों नहीं चलाई? कायर था, बुजदिल था। ये एनजीओ, ये सिविलियंस, इनके लिए जितना भी हम करें इट्स नेवर इनफ, नेवर। पर तुम, यू आर वन ऑफ अस, यू आर एन आर्मी ऑफिसर, तुमने वो वर्दी पहनी, द सेम यूनिफॉर्म। लेकिन लगता है तुम भी ग्रेटिट्यूड क्या होता है भूल गई हो। दीज फिल्म स्टार्स, दीज क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस एक दिन में जितना पैसा ही कमाते हैं, आर्मी ऑफिसर महीने भर में उतना नहीं कमाता। उसके बावजूद अपना काम करते हैं वो पूरी लगन के साथ। क्यों बोलो? गर्व के लिए, गर्व, प्राइड। और जब आप उस प्राइड का क्वेश्चन करती हैं तो आप पूरी आर्मी का क्वेश्चन करते हैं। उनका काम है देश की रक्षा करना और मेरा काम है उनकी रक्षा करना। बात समझ में आ रही है मेजर मोनिका मेहरा? मुझे भरोसा था तुम पे मोनिका कि तुम आर्मी पर सवाल नहीं उठने दोगी, लेकिन तुम तो खुद उंगली उठा रही हो आर्मी पर। आर्मी की बेइज्जती मत करवा मोनिका, नहीं तो बेइज्जती तुम्हारी भी होगी। सच और इल्जाम के बीच में बहुत हल्का सा फर्क होता है। ट्रेड केयरफुली। डिसमिस्ड। जिस नंबर से संपर्क करना चाहता है वो माइंड ब्लोइंग पर्सन इस वक्त मौजूद नहीं। मॉन, पहले बीप के बाद 5 बार आई लव यू। मोनिका, फिर इतने वक्त फोन क्यों नहीं किया राजकर चौहान के बच्ची? सॉरी यार, तेरा रिप्लेसमेंट दोस्त मिल गया और चौहान की बच्ची बड़ी हो गई। हाय, व्हाट डज दैट मीन? आई एम गेटिंग मैरिड यू इडियट। शट अप। यू व्हाट? आई स्वेयर। एक सेकंड, किसी लफंडर से लव मैरिज करी या फिर पापा एफडी अप्रूव बोरिंग अरेंज मैरिज? पापा से अप्रूव्ड है, लफंडर नहीं है, लव है एंड अब मैरिज। ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने जूनियर और सीनियर चौहान दोनों को इंप्रेस कर दिया? एक्चुअली ही इज माय चॉइस बट ही ट्रेन्ड अंडर पापा। हिज नेम इज अजय एंड डैड लव्स हिम। क्या ढूंढ कर निकाला ना तुमने, मतलब पापा को ना बोलने का चांस ही नहीं दिया। यू आर अमेजिंग। यू आर ओह वेट, शादी कब है, कैसे करेगी? कोई फैंसी डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर वो गवार सा टेंट लगाकर? और शॉपिंग करनी है मैन, शॉपिंग। प्लीज उसकी मम्मी का ना वो सेंटिमेंटल लहंगा मत पहना। जस्ट से नो, यू वोंट डू इट, एब्सोल्युटली नॉट। ओके चिल, इसीलिए तुझे फोन किया है इडियट। शादी नेक्स्ट ईयर है। ओके, एंड तुझे आना है एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर। प्रिपेयर करना है, यू हैव टू डांस एट माय संगीत एंड यू हैव टू गिव अ स्पीच एट माय वेडिंग। कमिन। मोनिका, बात कर सकते हैं? अंगद प्लीज, मुझे ना भी किसी से बात नहीं करनी है,
Just leave me alone for some time, please. Maybe you're right. अगर गौरव और शक्ति innocent है, then they have nothing to worry about. But अगर अजय के साथ genuinely कुछ हुआ है, then I'm on your side. साहब थारे वास्ते कॉफी लाई ली। क्या है ये? कोल्ड कॉफी है? ढंग से बनाओ ना। फिर से बनाओ। साहब मैं तो बहुत आइस डाली थी, फिर से बना ले हूँ थारे वास्ते में। I know. हेलो हेलो शक्ति, तू ठीक है ना? There you go. That's it. यार हमें ना अगर इनके प्रेजेंट में कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना, we'll have to get into their past. कहाँ पैदा हुए थे, फैमिली में कौन था, दोस्त कौन थे, गर्लफ्रेंड कहाँ कहाँ थे, सोते, लाइक एवरीथिंग. वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग. मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत डर लग रहा है. गौरव, यू ट्रस्ट मी राइट? एब्सोल्युटली. हमारे पास ऑलरेडी अजय और शक्ति के काफी डिटेल्स हैं, रात तक और भी आ जाएंगे. पता है यार, पर अगर उन्हें बाय चांस पता चल गया फिर? सच कुछ और है अंकित, और हमें इसका पता लगाना होगा. किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. तू बस प्लान फॉलो कर एंड वी विल बी फाइन. दस साल. गौरव बैच ऑफ 2008 आई एम. उसकी पहली पोस्टिंग भदरवा जम्मू. और शक्ति भी उसी के साथ था राइट? और उसके बाद दूसरी बार उन्होंने मिले दिल्ली में 2012. नहीं, 2012 में शक्ति दिल्ली में था और गौरव पंजाब में. ओके. और फिर वहां से दोनों साथ में 2016 में कश्मीर. कश्मीर में शक्ति ने इनकाउंटर किया, उसके बाद ही गॉट ट्रांसफर बैक टू जोधपुर 6 महीने पहले. और फिर दोनों साथ में 2018 में जोधपुर. हमें एक बात में समझ नहीं आती कि अगर शक्ति ने इनकाउंटर किया तो गौरव यहाँ पे कैसे आ गया? आई मीन सोल्जर्स को अपनी फैमिली से दूर रखा जाता है सो दैट दे कैन फंक्शन बेटर. करेक्ट. बट यहाँ पर इनकी दोस्ती इज क्वाइट अनबिलीवेबल. I'm sure system में कोई ना कोई internally इनकी help कर रहा था, otherwise this is impossible. अरे अगर कोई internally help कर रहा था, तो 2012 से 2016 तक उन दोनों के बीच में Great Wall of China क्यों बना? It doesn't make sense. वो 4 साल तक अलग थे. One second. That's it. Hold on. 2012 शक्ति की शादी हुई थी. And marriage changes everything. No, what I mean is कि लोग शादी करते, तुम भी तो शादी कर रही हो ना, तो no. Anyways, let's focus on this. बहुत काम है. So 2012 शक्ति got married. Right. और इनका जो pattern है वो शादी के बाद 4 साल तक ही बदला है. So you think the wife was the problem? Well, I'm not saying that, but इस point पर हमें हर एक possible lead को approach करना चाहिए, right? तुम सेरिना से मिल चुकी हो राइट? या एट सतपतीस पार्टी. यू नो व्हाट शी टोल्ड मी? इन लोगों के बारे में कुछ भी जानना हो जस्ट आस्क मी. यू थिंक शी वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग? थल मिल के तुम क्या पूछती? इनफैक्ट अभी भी मिलोगी तो तुम क्या पूछोगी? अब सुनना है और उस वक्त जब शक्ति घर पे ना हो. सॉरी आप Don't bother, it's okay. नहीं, शिवी को ना खेलने से ज्यादा अपने खिलौने बिखेरने की आदत है. जितना भी साफ कर लो दिन में, it always looks like a war zone. But you have a beautiful house. Thank you. तुम खुद संभालती हो? Mostly, but मेरा थोड़ी हेल्प हो जाती है. Thank you. और वैसे भी आर्मी ऑफिसर की वाइफ को परमानेंट जॉब लेके करना भी क्या है? पता नहीं देश के कौन से कोने में जाना पड़े. आई नो, कब कहाँ पोस्टिंग. कॉफी? एक्चुअली टी इफ यू डोंट माइंड. फिर तो मेजर गौरव को बुलाना पड़ेगा. एक्चुअली हमारे घर में चाय सिर्फ वही पीते हैं.
जब आते हैं तो खुद ही बना लेते हैं। शक्ति और मैं तो कॉफी पसंद करते हैं। मैं राधा दी को बोल देती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट हर चाय, सो आई मैनेज। दीदी दो कप चाय ले आएंगे प्लीज। तो तुम्हारे शादी को कितने 6 साल हुए, राइट? ऑलमोस्ट। और शादी से पहले दिल्ली में थे? उसके बाद कश्मीर पोस्टिंग आई और फिर यहाँ जोधपुर। और जब दिल्ली में थे तब मेजर गौरव वाज़न्ट विद यू गाइस? तुम मुझे इंटेरोगेट करने आई हो? नो, ऑब्वियसली नॉट। मैं बस कैजुअली, आई एम जस्ट आस्किंग। तुमसे बेहतर पर्सनली उनको कौन जानेगा? आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। थैंक यू। देयर, लेट्स ट्राई दिस। थैंक यू भाई साहब। खाना में क्या बनानी है? दीदी परवल रखा है क्या? जी दीदी। तो परवल का सब्जी और एक दाल बना लो, मैं और भैया रोटी खाएंगे। ठीक है भाई साहब। सो वी वर टॉकिंग अबाउट गौरव। तुम्हारे सवाल का जवाब ना एक्चुअली इस फोटो में है। लुक एट मेजर गौरव्स फेस, राइट? व्हाई? आई डोंट नो, आई थिंक इन दोनों की कुछ तो लड़ाई हुई थी शादी पे। पता नहीं क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे से पूरी शादी बात नहीं की। मुझे भी टाइम नहीं मिला इन दोनों से कुछ पूछने का, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था शादी पर। एंड नेक्स्ट थिंग आई नो कि गौरव ने पंजाब पोस्टिंग ली या हुई एंड और वो चला गया बिना कुछ कहे। जस्ट लाइक दैट? जस्ट लाइक दैट। तुमने पूछा नहीं क्यों? ऑफ कोर्स पूछा मैंने, पर दो फ्रेंड्स के बीच में मैं कैसे आ सकती हूँ? एंड आई थिंक थोड़ा तो अजीब था, क्योंकि 3-4 साल दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की। और फिर मैंने भी पूछा नहीं कि यू नो कहीं शक्ति को बुरा ना लग जाए। बट एक्चुअली दोज 4 years वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई मैरिड लाइफ। आई मीन हम इतना वक्त साथ बिताते थे, ऑफिस से सीधा घर, घर से सीधा ऑफिस। इट वॉज प्रीटी अमेजिंग। उसके बाद यहाँ जोधपुर एंड द फ्रेंड्स आर बैक टुगेदर। तो अब ऑफिस, गौरव, शिवी, उन सब के बाद मेरा नंबर आता है। सो प्रायोरिटी लिस्ट पे मेरा नाम बहुत नीचे है। आम ईमान से ना शादी आसान नहीं होती। थैंक्स फॉर द टी सरीना। मम्मा देखो कौन आया। हाय, वो आपसे ही मिलने आई थी। तो फोन क्यों नहीं किया? ट्राई किया, लगा ही नहीं। हाँ तो बोलो, क्या काम है? कुछ केस के बारे में था। ऑलराइट, आई एम लिसनिंग। राइट, द थिंग इज दैट, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस। मेरा, यू वोंट बिलीव व्हाट आई जस्ट फाउंड। व्हाट? You just stay where you are. I'll be right there. I said I'll be right there. तुम चिल्ला क्यों रही हो यार? I'll be right there. हाँ, but मैं इधर ही हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? तुम वहीं रहो। मैं अभी आ रही हूँ। Okay, fine. ठीक है, मैं तुम्हें एक address भेज रहा हूँ, वहीं पर आ जाना। हाँ, अभी निकल रही हूँ। मैं आ रही हूँ। तुम वहीं रुको। So glad she fucking dumped me. I'm sorry, I have to go. मैं तुम्हें कल base पर मिलती हूँ। Thank you. Monica, it was nice having you over. I hope you got what you were looking for. Thank you. मेरे पास 500 इंफॉर्मेशन है। What? गौरव और शक्ति की बाय चॉइस पोस्टिंग्स के बारे में। Guess who Gaurav's dad is? Lieutenant General Jay Shankar Shekhawat. Yeah. Beta kehta hai, oh, papa mujhe yahan pe posting bhejo, papa mujhe wahan posting bhejo. Aur papa maan jate hai kyunki woh mera Shonu Raja. I knew it. Otherwise it's impossible, right? Yep. Ye chhod. Abhi ye information sunegi na, dimag hil jayega. Encounter ke din Ajay was off duty. What? Yeah. एक सेकंड। शक्ति और गौरव ने हर कन्फेशन में कहा है कि अजय उनके साथ था। जबकि सच ये है
कि उसका नाम रोस्टर पे था ही नहीं। थैंक यू यार, चलो थोड़ा खा लेते। त्रिपाठी मेजर अजय के यहाँ चलो जल्दी। भगाओ भगाओ भगाओ। ये सारी सजावट की चीजें गायत्री दीदी उनके लिए लेकर आई थी, और ये पर्दे, ये तो खास दीदी ने जयपुर से मंगवाया था, मैं ही गया था लाने के लिए। गायत्री, अच्छा हुआ अजय सर के जाने से पहले गायत्री दीदी एक बार उनसे मिल तो पाई। मिशन के दिन गायत्री अजय से मिली थी? मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला। मिशन के दिन गायत्री अजय से मिली थी? हाँ बिल्कुल, मैं ही तो लेकर आया था उन्हें यहाँ छुप छुपा कर। गायत्री उदयपुर, फर्स्ट थिंग टुमारो। शादी कॉल्ड ऑफ मतलब? सिर्फ अभी के लिए गायो, एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। तू कैसी है? नो मॉन, सुनो मेरी बात, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर। सुन, लाइफ में ना बड़ी मुश्किल से प्यार मिलता है, यू फाइंड इट, यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट। आई विल, आई प्रॉमिस यू आई विल सॉर्ट इट आउट। मेरे को बता कि ये गौरव और शक्ति, वर दे फ्रेंड्स विद अजय? उनका कभी समझ नहीं आया, एक टाइम पर ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वो प्लान करके ट्रैक वैक पर जाते थे, बट देन बीच में आई डोंट नो एक फेज था जब अजय ना उनसे ना उनके बारे में कोई बात करता था। क्यों? आई डोंट नो, कोई लड़ाई हुई होगी, यू नो व्हाट बॉयज आर लाइक, दो दिन लड़ते हैं तीसरे दिन ठीक हो जाते हैं, बट अजय उस वक्त काफी अपसेट था, देन ही गॉट बेटर ऑन हिज ओन। वो था ही ऐसा मोनू, बहुत इमोशनल बट वेरी वेरी स्वीट। आज भी गुस्सा आता कि काश उस दिन मैंने उसका फोन साइलेंट पे रख दिया होता तो उस शक्ति का फोन आंसर ही नहीं करता। And he would be here with me today, Mona. He would be here with me. Shakti ne Ajay ko mission pe bulaya tha? Uh-huh. He was on leave that day. Isiliye hum dono saath mein the na. 5th January ki shaam ko Ajay ko khabar mili thi ki ek bada arms consignment border ke us paar jane wala hai. Usne hume inform kiya because we were following the boys for a while. Shakti ne to kaha tha ki Ajay ne use inform kiya tha. 5th जनवरी की शाम 1740 आवर्स को अजय को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये टेररिस्ट मुनाबाव गांव से एक आर्म्स का बड़ा कंसाइनमेंट बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे। तो अपना ख्याल रखना, बी स्ट्रांग, ओके? मैं जल्द मिलूंगी तुमसे, एंड आई फिनिश द रिपोर्ट सून, मेरी खातिर उसे पढ़ना जरूर। सब ठीक? गौरव और शक्ति खेल रहे हैं। What? शक्ति और गौरव ने साथ मिलकर अजय को मारा, तो सिविलियंस को मारा क्यों? ये कन्फेस कराना जरूरी है अंगद। So here's the plan. तुम जाओगे गौरव के घर उसे सॉरी बोलने, गुड कॉप की तरह। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए सुपर हेक्टिक रहे हैं, और ना चाहते हुए भी चीजें तुम्हारे लिए ऑकवर्ड हो गई। गौरव, मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं, सच में। दैट्स ओके, चेस। चेस मैन, व्हाट? वेट अ सेकंड,
लेफ्टिनेंट जनरल जयशंकर शेखावत तुम्हारे डैड है। तुम पापा को जानते हो? अरे भगवान समान थे मेरे यार ओटीए के दिनों में। यू नो व्हाटएवर आई एम टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन। आस्क हिम, ही विल टेल यू ही नोज़ मी। इनसे इतने फटके खाए ना, इतने फटके खाए ना, पूछ भी मत। फिर तो याद नहीं होंगे। इनसे झाड़ सबको मिलती है, जिनको नहीं मिलती वो याद होंगे। कम ऑन, तुझे तो नहीं मिली होगी। इंडियन पेरेंट्स इंडियन पेरेंट्स रहते हैं, कहीं भी रहे अपना बेटा शर्मा जी के बेटे से बेटर होना चाहिए, बस दैट्स इट। दैट्स ट्रू। वेल चीयर्स टू द शर्मा जीज ऑफ द वर्ल्ड। चीयर्स। और जैसे तैसे उसे मैस में ले आओगे। एंड आफ्टर दैट आई विल हैंडल इट। मैं नहीं नहीं अरे कॉल कॉल कर। अच्छा फोन बंद कर, फोन बंद कर, पास मी द फोन। गौरव पास मी द फोन। नहीं हो रहा। तुम्हारे घर पे चावल है? भाई बैचलर हूँ, आटा चावल कुछ नहीं, मेस में खाना खाता हूँ, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो एक काम करते, मेस में चलते, वहाँ पे राइस होगा। नहीं कीप इन राइस ऑल नाइट, कल तक ठीक हो जाएगा। दे दे, दैट्स ओके यार। मेस पे और लोग भी रहेंगे, चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे। कम ऑन या डोंट थिंक सो मच, गेट द बॉटल, लेट्स गो। चलो I heard that. What are we drinking? Whiskey. Apni apni sharab. Come, Jonas. Yeah, Monica. I'm sure mere share karne se khatam nahi hogi. Thanks, Angad. It's all good, yeah. Thank you. Bahut hai. Come. Waiter, one glass, please. If I remember, on the rocks, right? Absolutely correct. Oh, thanks. Here you go. Thank you. Cheers. 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 Indian single malt. How's it? It's good, no? Very nice. Yeah, so I'm saying very that. Nice. पर हम कुछ बहुत important भूल रहे हैं। Yeah. इस बेस का ritual. अरे यार अब नहीं। क्यों? यार इतना ही फद्दू game है ना, इतना घटिया game है वो। पता नहीं क्या ritual बना दिया इन्होंने यार। Never ever ever ever. भाई बड़ा confusing game है यार। Never ever ever. तेरी। इसको भी बताओ बताओ। एक second अब देखो इसका मुंह उतर रहा है। इसके इतने सीक्रेट्स हैं ना सर। चिकन प्लीज ब्रिंग इट ऑन। चलो ओके देन। नहीं नहीं रहने देते यार। अरे डरना तो मुझे चाहिए यार भाई, यू स्केट खेलते। चलो ओके, ड्रिंक्स रेडी? यस आई विल स्टार्ट। नेवर हैव आई एवर पिक समवन एट अ बार। सबने तो किया यार, चलो पियो। अबे क्या हुआ, किया नहीं कभी? नहीं यार। तुम तो बहुत बड़े प्लेयर हो यार। Okay, okay, my turn. Never have I ever stalked my ex. क्या? फिर रबीश मैंने किसी को कोई स्टॉक नहीं किया है। Instagram में 2017 की फोटो लाइक करके फिर अनलाइक की। I saw it before you did it. So drink up. Drink up. Yes. Fine. कभी नहीं सोच रहे। But you also drank, यानी कि you stalked me. Oh, so typical, Angad. You thought you were my only ex? Come on, bro. Below the belt, bro. And you now, you wait and see. Now you see. Okay. Never have I ever made out with a man. Come on. मैंने भी कभी किसी लड़के को किस नहीं किया। Yes. मैं फंस गया भाई। I should call it a night. मेरा आज का कोटा तो पूरा हो गया। ओए यार, मेरा भी हो गया। मैं निकलता हूँ। What यार? Come on, bed now. नहीं नहीं, I have to leave. तो come on, Roth. I'll leave. Are you sure? पीले एक पैक तो पीले। चलो, good night, guys. Good night. Good night. ये double से ठीक है। Yes. Yes. Thanks, sir. I'm good. कुछ खा लो, चढ़ेगी नहीं। That's okay. Gotta relax. It was just a game. चल एक और राउंड हम दोनों खेल। Just you and me. मुझे ना जाना है, तो I'll leave. आकाश मित्तल।
कुछ याद आया? Of course you remember. पता है वो अब कहाँ है? कैलिफोर्निया में. अच्छा खासा फौजी अब अपने फूफा जी का ज्वेलरी बिजनेस संभालता है. क्यों? Because his dad was in a lieutenant general. और then ब्रिगेडियर शेखावत. कार्तिक, तू आज गौरव को मिला क्या? ऑफ कोर्स मिला था. हम सब मेस में ही दारू पी रहे थे साथ में. गौरव, अंगद और मोनिका अभी निकले. तू कहाँ है? आ जाना. पापा ब्रिगेडियर, ताया जी कमांड हेड, कोई आर्मी में कोई नेवी में. अच्छी सॉलिड वेल कनेक्टेड फैमिली है यार तुम्हारी. सारा ब्लेम उस पर डाल दिया और खुद मेजर बन गए और वो बेचारा आर्मी से आउट. Caught in a compromising position. और तुमने बड़ी conveniently सबसे कह दिया that Akash forced himself on you. वो हर किसी की नजर से गिर गया. तुमने अपने आप को तो बचा लिया और उसे ये साबित कर दिया. पर फिर भी उसने एक चीज जरूर हासिल की and that's freedom, जो इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें नहीं मिली. Actually, wait, I have something to show you. हाँ, इस देश में अब भी सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को गलत माना जाता है, पर देखो उसने कैलिफोर्निया में जाकर शादी भी कर ली और तुम यहाँ एक झूठ में फंसे रहे. खुशी मिली तुम्हें? हुँ? कैसा लगा अपने एक्स को देखकर? आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है. सुनो गौरव, कर्मा इज अ बिच, ढूंढ के इट फक्स यू. क्या क्या नहीं किया तुमने अपने पापा को डिसीव करने के लिए? पहले कश्मीर में पोस्टिंग, फिर पंजाब आर्टिलरी, फिर वापस जम्मू, फिर जोधपुर. पापा को लगा कि मेरा बेटा सुधर गया, पर कभी तुमने अपने पापा को समझाने की कोशिश की कि इसमें सुधरने वाली कोई बात नहीं है? कभी उन्हें समझाने की कोशिश की दैट इट्स नॉर्मल टू लाइक बॉयज? कभी कोशिश की? बहुत ऐसा लगता है ना तुम्हें, बहुत ऐसा लगता है ना, मिलियो कभी पापा से. अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं गेहूं तो मार देंगे मुझे. तो फिर तुमने भी शक्ति की तरह दिखावे के लिए शादी क्यों नहीं की? You could have spoiled a girl's life. अरे मैं नहीं कर सकता यार. I fucking can't do this, man. अजय सच जान चुका था ना तुम्हारा? हाँ, डर गए थे तुम कि तुम्हारा और शक्ति का झूठ सबके सामने आ जाएगा, इसलिए खत्म कर दिया ना उसे. बताओ, इसलिए मार दिया उसे? You're a fucking coward. That's what you are. तुमने अजय को मार डाला, दो बेकसूर सिविलियंस की जान लेकर उन्हें टेररिस्ट का अटैक दिया. How could you do that? How the fuck could you do that? वो सबको बता देता. मेरी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. शक्ति फिर मुझसे दूर हो जाता. हम मिल नहीं पाते एक दूसरे को कभी भी. We had no choice. क्या करते? Not my fault. अगर गलती मेरी है तो गलती आमी की भी है. गलती तुम सब की है, मेरी नहीं है यार. मैं अब्नॉर्मल हूँ क्या? Are you all right? क्या हुआ? What did? क्या बोला तूने इसे? Look at me. It's over. She knows everything. You can't fucking prove anything. Under the influence of alcohol, nothing can be proved in the court. तू कुछ नहीं कर सकती. कभी apple cider vinegar honey के साथ mix करके try करना. Has no alcohol. That in fact is a really good whiskey. You should try it sometime. Seriously. You tricked him. तुम्हें क्या लगा? गेम सिर्फ तुम ही खेल सकते हो? We do this for a living. Back off, man. Tell me. Fuck. Crime और motive तो था ही, और अब confession भी मुझे समझा? अगर तुम्हे अपनी और अपनी फैमिली की जरा सी फिक्र है ना, accept it. Accept it. Shot. Look. Being gay. It's not a crime. Being a murderer is
या I don't believe this. These monsters. सर अगर आपको टाइम चाहिए तो वी कैन कम बैक लेटर. नहीं अंगद टाइम की बात नहीं है. गौरव शक्ति आर माय मैन आई ट्रस्टेड देम. मेरी गलती है. मुझे पता होना चाहिए था. एहसास होना चाहिए था मुझे. थैंक यू. अरेस्ट हिम सतपति सर. गुड जॉब मेरा. वी डिड अ गुड जॉब. कॉल्स फॉर अ ड्रिंक नो. Or maybe five. Sure. I have to take care of something, so I'll meet you later. Cool. Shaam ko milte. Yeah? Bye. Bye. Good morning, ma'am. Good morning. Sirf ek hi suitcase. Thank you. Good morning, Monica. Morning. Monica, listen. Agar aaj nahi kaha to fir shayad kabhi mauka na mile. Yeah, fuck off. Sorry. We are very sorry. Thank you, Monica. Ajay हमारा सच्चा साथी था. उसकी मदद करने के बजाय हम तुम्हें तंग करते रहे. We really had no idea. I get it. अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो वही करती और शायद थोड़ा और इंटेंस. आप लोग दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे और मैं यूनिफॉर्म का. क्लैश तो बनता है. Anyway, आपके मीन गैंग के लीडर मेजर कार्तिक कहाँ हैं? उसने भी आना था बट उसके बेटे का एग्जाम है. मैथ्स पढ़ाना है उसने. बीवी ने बम्बू जो दे रखा है और कर्नल चौहान ने भी उसके लीव एप्लीकेशन में अभी तक साइन नहीं किया है. एक्चुअली वो भी केस में बिजी है तो. बट डायरेक्टर ट्रेनिंग तो साइन कर सकते हैं ना. उसकी मती मारी गई है जो कर्नल चौहान की परमिशन के बिना साइन कर दे. मैडम इस बेस पे हर एक पेपर कर्नल ही साइन कर दे. मैडम जी बाकी की बातें व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा वरना आपका प्लेन आपके बिना ही उड़ जाएगा. हाँ मोनिका चलो चलो प्लीज. मैं शक्ति मंडप्पा शपथ लेता हूं कि मैं आखिरी दम तक भारतीय संविधान की पूरी निष्ठा का पालन करूंगा और इस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा. मैं गौरव शेखावत शपथ लेता हूं कि मैं आखिरी दम तक भारतीय संविधान का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा और इस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा. मैं शपथ लेता हूं कि मैं खुद से पहले दूसरों की जरूरतों को रखूंगा कभी किसी से भेदभाव नहीं करूंगा पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से इस देश के हर नागरिक की सुरक्षा करूंगा. और मैं शपथ लेता हूं कि जब भी जहां भी मेरे देशवासियों को मेरे सेना को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं निडर होकर हर मुसीबत का सामना करूंगा और मौत से कभी नहीं डरूंगा.
गे आर्मी में मर्द होते हैं मर्द, मार दूंगा तुझे अगर तुम मर्द नहीं बना। लड़का हो कि लड़का पसंद है तुझे बेटा, ये बीमारी है। मैडम इस बेस पे हर एक पेपर कर्नल ही साइन। त्रिपाठी एक मिनट। क्या हुआ मैडम, कुछ भूल गए क्या? मेजर गौरव, मेजर गौरव, गाड़ी वापस लो। मैडम बता दीजिए, मैं गाड़ी वापस लो। I love you, शक्ति। दरवाजा तोड़ दो। गुड मॉर्निंग, मुझे डेली मिशन रोस्टर देखना है। थैंक यू, आइए। कम ऑन, हाँ दिखाइए। Thank you. Colonel Chauhan, Colonel Chauhan, Colonel Chauhan, Colonel Chauhan. Satpati, जब इस बेस के सारे डॉक्यूमेंट्स कर्नल चौहान साइन करता है तो उस दिन सतपति ने क्यों? शक्ति, शक्ति। Leave me alone. देखो मुझे तुमसे सिर्फ सच जानना है। अब क्या जानना है तुम्हें? सब तो पता लगा लिया है। अजय को हमने मारा और उन दो लड़कों को भी। हो गया तुम्हारा काम, कर ली रिपोर्ट फाइल, अब निकलो। वो आए थे यहां, क्या कहा उसने तुमसे? तुम्हारे तुम्हारे गॉडफादर ने कि वो तुम्हें बचा लेंगे, कि तुम्हें सजा नहीं होगी, हाँ? Is that what he said that will bury the case? Look, शक्ति, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम सब कुछ हार चुके हो। What did he say? अब जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो पूरी बात बोल दो ना। Look at you, I mean. Look at your fucking body language, man. तुम्हें देखकर कोई भी कहेगा कि तुम convict होने वाले हो। तुम जानते हो ना तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Exactly. तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना मेरा, ना गौरव का। सुन लिया? Now just get the hell out. He hasn't told you. तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानता मैं? Gaurav is dead. Fucking bitch, you mind your tongue, all right? Gaurav is dead. कल दोपहर को अरेस्ट होने से पहले he shot himself. I don't believe you. ये रह गया तुम्हारे पास? This is what you have got? You don't believe me? Here. जिसे फोन करके पूछना है पूछ लो। Go ahead. I don't believe you. वो भी तो आए थे यहां पे। उन्होंने कहा कि वो हम दोनों को कुछ नहीं होगा। Why would he say that? ताकि तुम written effort। ताकि तुम रिटन एफिडेविट पे साइन करके सारा ब्लेम खुद पर ले लो, उन्हें क्लीन चिट दो।
तुमने कुछ साइन तो नहीं किया? Fuck. लुक शक्ति, तुम गौरव को नहीं बचा सके, बट प्लीज प्लीज गलत इंसान को मत बचाओ. प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प. उस दिन अजय ड्यूटी पे नहीं था, रोस्टर पे उसे किसने डाला, किसने अप्रूवल दिया? ऑर्डर्स पे लेफ्टिनेंट कर्नल सत्पति के साइन थे, तो उसे चौहान दैट टोल्ड यू? उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, एवरीथिंग. यू हैव लॉस्ट योर वाइफ, यू हैव लॉस्ट गौरव, नाउ यू हैव लॉस्ट योर फकिंग ऑनर. ऑफिसर बनने के लिए जो शपथ लेते हो वो याद है या वो भी भूल गए? आई सॉलेमली अफर्म दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, एंड दैट आई विल एज इन ड्यूटी बाउंड ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व इन द रेगुलर आर्मी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. शक्ति, आर्मी ऑफिसर के ईमान और भरोसे को टूटने मत दो. ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है. जिस देश ने तुम्हें ये वर्दी दी है, ये इज्जत दिया है, उसके खातिर टेल मी द ट्रूथ, क्यों किया तुमने ये सब? सेल्फिश रीजंस के लिए किया मैंने सब. गौरव से प्यार क्योंकि मैं चाहता था, शादी करी, बच्चा किया क्योंकि मैं उस प्यार को छुपाना चाहता था, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाना चाहता था. लेकिन अब गौरव नहीं, सब मैंने अपने लिए किया है. शक्ति, तो पहली बार किसी और के लिए कुछ करके देखो. किसके कहने पर किया ये मर्डर? कर्नल सूर्यवीर चौहान, he asked me to kill अजय. अजय को कैसे मार सकता हूं सर मैं? आई कांट डू दैट. आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं. Oh, so you can't do that. I thought you were better than that. मैं तो मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ एक डील कर रहा हूँ. डील, यू अंडरस्टैंड दैट? तुम और गौरव गे हो, ये सच सिर्फ मुझे पता है. तुम मैरिड हो और गौरव की फैमिली अनसपोर्टिव है, ये सच है. तुम्हारा ये सच अगर दुनिया के सामने आ गया तो तुम्हारा करियर तो खत्म हो ही जाएगा, उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी. You help me, I help you. How did you do it? Ajay, terrorist activity की information आई है. We need you as a backup. हम तुम्हें pick up करने आ रहे हैं. All right? Plan बहुत simple था. हमें पता था कि अजय उस दिन छुट्टी पर था और वो ड्यूटी को कभी मना नहीं करता, तो हमने उसे कॉल करके कहा दैट वी नीड हिम एज अ बैकअप. उसे एनकाउंटर के बारे में कोई आइडिया नहीं था. हमने आसिफ और खालिद को भी मिलने के बहाने वहां बुलाया था और पहुंचते ही हमने फायरिंग शुरू कर दी. बोलो भाई, अजय, सब के सब मिले मार, फकिंग लेट्स गेट देम आउट, अबे चल ना. वो अनाम थे और अजय भी क्लूलेस था. शक्ति, पहले मैंने आसिफ को शूट किया, वो गिर गया और खालिद भागने लगा. फिर मैंने खालिद को शूट किया. शक्ति, जब अजय खालिद को चेक करने गया तो आसिफ की जगह से मैंने अजय पर गोली चला दी ताकि सबको लगे कि आसिफ ने ही गोली चलाई थी. I'm sorry. और फिर हमने आसिफ को भी शूट कर दिया जस्ट एज प्लान.
Man down. We have a man down. But वो अजय को क्यों मारना चाहते थे? क्यूबन रोमियो जूलियटा चर्चिल सिगार, विंस्टन चर्चिल का फेवरेट सिगार और कर्नल चौहान का भी. हिस्ट्री नोज विंस्टन चर्चिल फॉर द वॉर एंड विक्ट्री अगेंस्ट नाजीज एंड हिटलर, बट हिस्ट्री के फुटनोट पे जो रह गया वो ये था दैट ही हेटेड द इंडियंस. हमें फाउल माउथेड रेस समझता था वो, एंड ही वांटेड टू वाइप अस आउट. गलती अजय की नहीं थी, उसके सरनेम की थी, मेजर अजय पासवान. क्या तुम शेयर हो? शक्ति हमें मिसलीड तो नहीं करेगा ना? वो ऐसे क्यों करेगा यार अंगद? अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो क्यों झूठ बोलेगा? बट कैसे करेंगे यार? गौरव इज डेड, शक्ति ने एफिड साइन कर लिए, बंदे को क्लीन चिट मिल चुकी है, लीगल रिकॉर्ड से घंटा फर्क पड़ने वाला है. पाक कन्फेशन तो मिल सकता है मोनिका. कैसे? ना एविडेंस है ना बैकअप, तुम उन्हें लीगली क्वेश्चन भी नहीं कर सकती हो. इज वे अबव योर पे ग्रेड. और अगर उसे भनक भी लग गई कि समथिंग्स ऑफ, समथिंग्स फिशी, तुम्हारा करियर फिनिश्ड, भूल जाओ. एक मेजर कर्नल को क्वेश्चन नहीं कर सकता, पर एक पुराने दोस्त की बेटी तो उनसे मिलने जा सकती है. What do you mean? Casually. और रही बात करियर की, Fuck it. गुड इवनिंग सर. अरे मोनिका, व्हाट अ सरप्राइज, तुम्हारी फ्लाइट तो सुबह की थी ना? जी, पर पिछले हफ्ते नींद पूरी नहीं हुई थी, कल कुछ बहुत ज्यादा ही गहरी नींद आ गई, आई मिस्ड माय फ्लाइट. गुड, काम खत्म करने के बाद वाली नींद जो है ना बहुत खास होती है. आई एग्री. वांट अ ड्रिंक? आई विल टेक द टिकट मायसेल्फ. सर बैठिए ना. गुड टू सी यू मोनिका. बहुत ही इंप्रेसिव कलेक्शन है सर. थैंक यू, द बेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. सर आपका बर्थडे कब होता है? मेरा बर्थडे 17 सितंबर. क्यों? I thought as much. Typical Virgo behavior. आप लोगों को सब बेस्ट चाहिए. तुम ज़ोडियक साइन में बिलीव करती हो? Really? I mean, not really, but it's fun. और कभी-कभी accurate भी हो जाता है. अच्छा ठीक है. तो बताओ typical Virgo के क्या traits हैं? So I'm not trying to analyze you. No, but now I'm really curious. Tell me. सुलु के एकदम पक्के होते हैं और सिर्फ दिमाग से सोचते हैं. That's true. Bang on. भाई after all, आर्मी में मैंने इतने साल ऐसे तो नहीं निकाल दिए. देखो प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल होता है. And things happen in a certain way for a reason. Oh yeah, and the most important thing. कहते हैं that Virgos are the most purest of all zodiac signs. Yeah. Yeah. I mean, एक अलग लेवल का स्वैग होता है आप लोगों में. स्वैग? I mean, उन्हें देखिए. मतलब आज भी कोई भी उन्हें देखकर इंटिमिडेट हो जाए, नहीं? Well, those times were different. But I'm serious, uncle. आप में भी वो बात है. अब कर्नल सूर्यवीर चौहान किसी से कुछ कहे और वो बात ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Really? ऐसा लगता था मैं? Well, no. That's not because of the Rajput coup. That's because of the uniform. Best of both worlds. आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं. और ये आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार साबित किया है, फील पर भी और हर जगह, चाहे वो अपने देश की रक्षा के लिए हो या फिर अपने परिवार के. थैंक यू. और अजय इसका जीता जागता एग्जाम्पल था. अजय कैसे हो गया इसमें? क्यों सर,
अजय तो आपका ब्लू वाइट बॉय था, आपका आपके आंखों का तारा. योर ऑर्डर वाज हिज कमांड. यस, थैंक यू. खामोश करा दिया आपने उसे. सॉरी. रक्षा कर रहे थे आप अपने प्योरिटी की, अपने लिनेज की, अपने राजपुताना खून की. I don't know what you're talking about. I don't get your drift. What? I mean, how could he, a Dalit boy, think कि वो आपकी टेबल पर बैठकर आप ही के साथ खाना खा. उसे तो नीचे जमीन पर बैठना चाहिए था. Oh, please. आपका बचा कुचा खाना चाहिए था. Please, Monica. ये सब पुरानी बातें हैं. मुझे ये सब से फर्क नहीं पड़ता. Of course, आपको फर्क नहीं पड़ता. अगर उसने आपके घर में घुसने की जुर्रत ना की होती, पर उसके बाद आपको फर्क पड़ा. बहुत फर्क पड़ा. क्योंकि ये सिंगल मॉल्ट, ये सिगार, घर की हर चीज, लाइफ का हर प्रिंसिपल अब तक प्योर और परफेक्ट था. और फिर घर का दामाद एक नाली में पलने वाला दलित. हाउ कुड दैट बी? यू हैव नो आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. अजय वाज वन ऑफ माय बेस्ट. मुझे गर्व था उस पे. था बीइंग द की वर्ड्स. आपको उस पर गर्व था, उसके अचीवमेंट्स पर, उसके ड्राइव पर, उसके पैशन पर गर्व था. पर वो गर्व सिर्फ उसके वर्दी तक लिमिटेड था. विदाउट हिज यूनिफॉर्म ही वाज जस्ट अ डाउनट्रॉडन मैन जो अपनी औकात भूल बैठा था. और उसे उसकी औकात याद दिलाना जरूरी था. मोनिका, आई थिंक यू शुड गो होम नाउ. ओके, एनफ. ऑफ कोर्स. कर्नल सूर्यवीर चौहान की बात हम कैसे टाल सकते हैं? थैंक यू फॉर द ड्रिंक. और शादी में आने की कोशिश जरूर करिए. गुड नाइट. But I don't think Gayatri को ऐसी हालत में travel करना चाहिए. What? Gayatri को क्या हुआ? Oh, आपको नहीं पता? मुझे क्या नहीं पता? Now there's another Virgo trait, but you don't match up to that. वो कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ते. अजय को तो आपने मार दिया. But he'll live on. Your daughter, Colonel Chauhan, is pregnant. गायत्री प्रेग्नेंट है कर्नल चौहान, और वो भी आपके दलित दामाद के बच्चे के साथ. अब आप एक दलित पोते के नाना बनने वाले हैं. Yes. He touched your daughter, sir. He kissed her, and I think he kissed her really, really well. और इसका मतलब तो आप जानते ही हैं ना, उसने छुआ था गायत्री को. हाँ, उसने छुआ था उसे हर जगह, और किस भी किया था. लिप्स, नेक, प्रेस. स्टॉप इट प्लीज. ओ बट ही डिडंट स्टॉप. शी डिडंट वांट हिम टू स्टॉप. दे केप्ट गोइंग. पहले उसने उसका टॉप उतारा, फिर जीन्स, एंड फिर दे हैड सेक्स. आई सेड स्टॉप इट. एनफ. क्यों सर, गुस्सा आ रहा है आपको? पर अजय तो अच्छा लड़का था ना, आपको अच्छा लगता था ना वो. एंड आई एम श्योर ही केप्ट गायत्री वेरी हैप्पी टू. और हर माँ बाप यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे खुश रहे. और गायत्री खुशी होगी. एंड नाउ यू हैव अ दलित ग्रैंडचाइल्ड. स्टॉप इट. चौहान्स का राजपूत खून तो बर्बाद ही हो गया ना, हमेशा हमेशा के लिए. द चौहान नेम हैज बीन सलीड फॉर एवर. दो कौड़ी के नौकर की हैसियत होती है इनकी. सारी जिंदगी साला ऐसी एसटी कोटा पर जीते हैं, हमारे टैक्स की बदौलत अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और फिर हमसे कंधा मिलाकर चलेंगे. हमसे. Bloody leeches. Leeches of the world. That's what they are. क्या नहीं किया मैंने उसके लिए. Warla not done for this guy. आर्मी में नौकरी दिलवाई, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल दिया, इज्जत दी, और उसने क्या किया? मुझसे कंधा मिलाना चाहता है वो, मेरे सर पर चढ़ना चाहता है वो. ये नालियां साफ करने वाले हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे, मेरी बेटी से शादी करेंगे? नो. जिस बेटी को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, प्यार करने की आजादी दी, वो लड़की, she ended up falling in love with a Dalit boy. उसकी औकात नहीं है कि वो राजपूत लीनेज को बर्बाद करे. मार दूंगा उसको, उसके बच्चे को मार दूंगा. जैसे अजय को मार दिया ना, मार दूंगा उसको. That's what you wanted to hear, कि मैंने मार डाला उसको. हाँ, मार डाला मैंने उसको, क्योंकि मेरी रगों में जो खून बहता है ना, उस पर नाज है मुझे. तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मेरे लिए क्या मायने रखता है. वीरता की निशानी है ये, और ये कभी बर्बाद नहीं होगी. ओके? जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, और अब जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो. केस करोगी? हाँ करो, केस करो मुझ पे. कुछ नहीं बिगड़ पाओगी तुम मेरा. वैसे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर.
जो भी करना था आपने कर दिया. अपना फुल प्रूफ प्लान आपने खुद ही बिगाड़ दिया. नो वरी ब्लैक, यू नो व्हाट, आई लर्नड वन थिंग फ्रॉम माय फादर, नेवर गो इनटू एन एम्बुश अलोन. अंगद, कर्नल सूर्यवीर चौहान, मुझे ये सोचकर भी शर्म आती है कि मैं अपने डैड के बाद आपको अपना मेंटर मानती थी. फुल प्रूफ प्लान बनाया था आपने. हाँ, यू मेड अ फुल प्रूफ फकिंग प्लान. अंगद को लिया है, वो नहीं चला तो दशरथ और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी. बट आप ये भूल गए दैट आई एम एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी. और आपने कहा था दैट आर्मी में देयर इज नो यू एंड आई, वी आर आर्मी. बट गेस व्हाट सर, यू डू नॉट डिजर्व टू वेयर द सेम यूनिफॉर्म वी डू, बिकॉज यू आर अ डिसग्रेस, दैट्स व्हाट यू आर. क्योंकि ये जो वर्दी है ना, ये ना जात पात देखती है ना खून देखती है, ये देखती है तो सिर्फ एक जज्बा, लुक एट मी, अपने देश के लिए लड़ने का, अपने देश के लिए जान देने का. आपने तीन इनोसेंट लोगों की जान ले ली, आपकी वजह से आज इस वर्दी पे उंगली उठे, इस पर दाग लगा है जिसे मिटाने में कई साल लग जाएंगे, और जिसकी कीमत सिर्फ आपको ही नहीं, हर उस यूनिफॉर्म ऑफिसर को देना पड़ेगा जो इस आर्मी में है. हैज टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस. आपको अपने करियर में काफी सारे मेडल्स मिले हैं ना, काफी सारे मेडल्स जीते हैं, मगर एक चीज आप नहीं जीत सकते, इस वर्दी की इज्जत. या You killed him. He worshipped you. You killed him. हेलो जीनत जी. बीबी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी? अम्मी कैसी है? अब तो अम्मी की तबीयत बहुत सुधर गई है. वो क्या है ना, जब मन हल्का होता है तो शरीर भी साथ देने लगता है. धन्यवाद बीबी. अच्छा तुम अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी. हाँ जी बीबी, आप भी. बाय बाय. चलो ऑल सीम्स गुड. चले. यप. Hi. Hi. All good? Thank you. Thank you. Actually, उस दिन रात को जब पार्टी में मिले थे ना, इन लोगों के बारे में कुछ भी जानना हो, just ask me. I knew that this was my last chance. And I'm so glad कि तुम्हें फोटोज देके मैंने कोई गलती नहीं की. You know, I had a feeling it was you. मुझे लगा ही था कि वो फोटोज तुमने भेजे हैं. It was nice having you over. I hope you got what you were looking for. I had been struggling with this loveless marriage for so long. मुझे मालूम था कि शक्ति गे है और वो और गौरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मैं चाह के भी कभी कुछ कर नहीं पाती, यू नो, टू चेंज एनीथिंग. बट जब मुझे पता चला कि वो दोनों मेजर अजय की जान लेने वाले हैं, तब मुझसे रहा नहीं गया. I had to do something. अकेले कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, बट देन यू केम. और मुझे मालूम था कि ना ही सिर्फ तुम मुझे इस सिचुएशन से निकाल पाओगी, बट तुम मेजर अजय को इंसाफ दिला पाओगी. So, what now? I think I'm just gonna start afresh. एक नए सिरे से सब कुछ. And Shivi? And she will too. And I hope ये बड़े होके she will also serve the Indian Army. इसलिए नहीं ताकि अपने पापा के नाम पे लगे धब्बे को मिटा सके,
पर इसलिए ताकि कभी कोई और केस हो तुम्हारी तरह उसको सच्चाई के साथ लड़ सके। You take care. You too. चले कोड एम कोर्ट मार्शल का आर्मी लिंगो। इस केस की वजह एक फेक इनकाउंटर या सेम सेक्स रिलेशनशिप नहीं थी पर एक्चुअल वजह थी एक नीची सोच। और जब तक आपकी सोच छोटी है तब तक आप एक आर्मी ऑफिसर तो क्या एक इंसान कहलाने तक के काबिल नहीं है। अंगार से बने अंग करते मेहनत बेहिसाब साले देशद्रोही देख के बना ले अपना बाप कभी फुकट नहीं भरना कांड करते वक्त बेटा वरना सीधा खत्म तेरा भरम होगा सत्यानाश। वफादारी भरी खून में साथ छोड़े कभी ना मेहनत इतनी के तू छोड़े एसी में पसीना तू जो रेस का है घोड़ा में लगाम ही लगा दो हमें शेर की पहचान ये तू भूल ना कभी ना। चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ ये है फौज की दहाड़ चल भाग 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 चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ चल भाग रे भाग भाग चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ चल जा भाग भाग चल भाग दौड़ मार ये है फौज की भड़के जब बोलना बवंडर आया है अब नींद छोड़ भाग मौत खुद दौड़ाया है सीना ठोक के है चोट खाते देश को गले लगा के धोखा धड़ी करने वाले भी शांत हो जाते कि फौज पीछे हटती नहीं नए हिंदुस्तान की तू नाच भी ना पाए ऐसा गेम बजा दे। हाथ में दिखाने को रखते ना लाला गन गन बात मेरी मान बच्चा जान चल रन रन होश में ना आने देंगे उंगली करके देख तारे देख देख तेरे साथी हो रहे हैं कम कम। चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ ये है फौज की दहाड़ चल भाग 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 चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ चल भाग रे भाग भाग चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़ चल जा भाग भाग चल भाग दौड़ मार ये है फौज की दहाड़।